हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड सेवन्थ मैथमेटिक्स में हमने जो लेसन स्टार्ट किया है, दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इसके ऊपर जो पहले वीडियो मैंने बनाया है, जिसमें हमने रेशियोज का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने रेशियो क्या होता है, फिर रेशियो के टर्म्स कौन कौन से है, फिर हमने देखा था इक्विवेलेंट रेशियोज क्या है, और उसके बाद हमने रेशियोज को कंपेरिजन कैसे करना है ये भी सिखा है। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम देखते हैं जो पिछले टॉपिक में हमने जो बेसिक सीखा था उसी के ऊपर एग्जांपल्स है। तो देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 जो है कोडा के बुक से। चलो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले बता दूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। A car covers 72 किलोमीटर in 2 hours and a train covers 120 किलोमीटर in 3 hours. Find the ratio of their speed. तो हमें ट्रेन का कार की स्पीड और ट्रेन की स्पीड, इनका हमें डिस्टेंस सॉरी इनका रेशियो फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमें स्पीड तो दी नहीं है, हमें यहाँ पे सिर्फ कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कार कवर करती है और कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेन कवर करती है वो दिया है। तो हमें पहले तो स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड करनी पड़ेगी, फिर हम स्पीड ऑफ कार फाइंड करेंगे और फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। तो आपको पता है कि स्पीड का फार्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारे पास फार्मूला है। देयरफॉर वी विल फर्स्ट फाइंड स्पीड ऑफ कार। स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू, अब डिस्टेंस कितना कवर करती है कार, वो करती है 72 किलोमीटर, और टाइम कितना लेती है उसके लिए, वो लेती है 2 आवर। ठीक है, सो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे सो वी विल गेट हियर, यहाँ पे लिख रहा है नीचे इक्वल टू, 2 से 72 को डिवाइड करो सो यू विल गेट हियर 36, और इसका यूनिट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ये हो गई कार की स्पीड, यानी 1 आवर में 36 किलोमीटर डिस्टेंस कार कवर करती है। नाउ वी विल फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन, सो वी विल राइट हियर देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू, फिर वही फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है ट्रेन 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, सो आई विल राइट हियर 120 किलोमीटर अपॉन, उसके लिए टाइम लेती है 3 आवर्स, सो आई विल राइट हियर 3 आवर्स। अब 3 से 120 को डिवाइड करो सो यू विल गेट 40, और स्पीड का यूनिट है किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर है, यूनिट सेम है, तो हम इनको अभी कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करना मतलब इसका हमें रेशियो फाइंड करना है, सो आई विल राइट हियर देयरफॉर रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ कार टू द स्पीड ऑफ ट्रेन। आपको जिस तरह से रेशियो फाइंड करने के लिए बोला है उसी तरह से लिखना है, फाइंड देयर स्पीड बोला है, तो पहले कार का है तो इसलिए हमने कार का ट्रेन के साथ, कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते कि ट्रेन का कार के साथ रेशियो फाइंड करो तो उसका आंसर अलग आएगा। तो कार की स्पीड है हमारे पास 36:2, ट्रेन की है 40। ठीक है, यहाँ पे अब हमें यूनिट को नहीं लिखना है, सो वी विल राइट इट एज इट इज 36/40, इस तरह से लिखेंगे फ्रैक्शन में। नाउ सी बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, सो यू विल गेट हियर 4 9 जा 36, 4 10 जा 40, एंड नाउ वी विल राइट लास्ट आंसर। सो ये हो गया रिक्वायर्ड रेशियो। तो कार का और ट्रेन का जो स्पीड का रेशियो है वो है 9:16। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2, विच रेशियो इज लार्जर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन दो रेशियो में से हमें कौन सा रेशियो लार्जर है वो बताना है। इसमें और भी एग्जांपल्स है, वो आप ये समझने के बाद आप उनको सॉल्व कर सकते हो। तो रेशियो का यहाँ पे एक्चुअली हमें कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो उनका डिनोमिनेटर सेम करके या फिर उनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो बेटर यही होता है कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। ओके, सो 4:7 को हम लिख सकते हैं 4:7, और ये हो गया 5:8। 4:7 मतलब 4/7, 5:8 मतलब 5/8। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो पहले 4 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे
सो 4 × 8 इज इक्वल टू हो गया 32, और फिर 7 और 5 को मल्टीप्लाई करो, 7 × 5 हो गया 35। अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, सो पहले लिखा 32, फिर लिखा 35। अब देखो इनमें विच इज ग्रेटर, 35 इज ग्रेटर, सो वी राइट हियर लेस देन साइन। अब यही साइन इनमें आएगा, देयरफॉर वी विल से दैट 4 × 7 लेस देन 5 × 8। अब हमें जैसे क्वेश्चन पूछा वैसे आंसर लिखना है, तो कौन सा रेशियो लार्जर है, सो कौन सा हो गया फिर 5 × 8, देयरफॉर वी विल से दैट 5 × 8 इज लार्जर। तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं, इसमें से बाकी के एग्जांपल्स आपको करना है। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे हमें ये जो रेशियो दिए है वो इक्वल फॉर्म में दिए है, मतलब इक्विवेलेंट फॉर्म है, दिस रेशियो इक्वल टू दिस, दिस रेशियो इक्वल टू दिस, तो दिस इज द इक्विवेलेंट फॉर्म। तो इसका जितना आंसर आएगा उतना ही इसका आंसर आता है, उतना ही इसका आंसर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बॉक्स में कौन सी नंबर आनी चाहिए वो पूछा है, तो उसके लिए आप क्या करो, इन दो रेशियो को कंपेयर करो, मतलब इन दोनों को देखो, कंपेयर नहीं करना है, इनको ऑब्जर्व करो। तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, ठीक है। तो 6/15 से हमें मिला 2/, यहाँ पे कितना है पता नहीं, तो इसका इक्विवेलेंट ये मिला। तो इक्विवेलेंट हम या तो कैसे निकालते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके या सेम नंबर से डिवाइड करके। तो 6 को कितने से डिवाइड किया तो 2 आया, तो 3 से डिवाइड किया तो 2 आया, ठीक है। तो हमें 15 को भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2 आया, 15 को भी 3 से डिवाइड करो तो यू विल गेट हियर 5, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट ये है, या आप इससे इसको निकाल सकते हो या इससे भी इसको निकाल सकते हो। अब 5 है और यहाँ 45 है, तो 5 को कितने से मल्टीप्लाई किया तो 45 आया, 5 × 9 = 45, तो 9 से मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमिरेटर को भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो 9 × 2 यहाँ पे हो जाएगा 18। तो इस तरह से हमें ये वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 18 है, कॉन्सिक्वेंट यहाँ पे 3 है, तो 18 को डिवाइड करने के बाद 3 आया होगा, 18 को किसी नंबर से डिवाइड करते भी 3 आया, क्योंकि ये स्मॉल नंबर है। तो उसके लिए क्या करो, सीधा 3 से 18 को डिवाइड कर लो, तो 3 × 6 = 18 होता है, मतलब 18 को 6 से डिवाइड किया होगा तो 3 आया होगा, है ना। 18 को किसी एक नंबर से डिवाइड किया तभी तो 3 आया यहाँ पे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट 3 से 18 को डिवाइड करते हैं, तो आंसर आ जाता है 6। तो 18 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 को भी हमें 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर 1। अब यहाँ देखो 1 है, यहाँ 18 है, 1 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 18 आएगा, तो हमें 3 को भी 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 18 × 3 = 54। तो इस तरह से हमें ये जो बॉक्सेस है ये हमें फिल करने हैं। वी विल सी क्वेश्चन 4, अरेंज द फॉलोइंग रेशियोज इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे हमें 4 रेशियो दिए हैं, इनका हमें असेंडिंग ऑर्डर लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर लगाने के लिए हमें सबसे पहले स्मॉलेस्ट रेशियो को फाइंड करना होगा, ठीक है। तो 4 रेशियो को हमें कंपेयर करना है, उसके लिए क्या करेंगे, सबका डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे, तो 5 × 4 को हम लिखेंगे 5/4, 7 × 6 को लिखेंगे 7/6, 3 × 2 को लिखेंगे 3/2, और 5 × 8 यानी 5/8। अब इन सबका डिनोमिनेटर सेम करना है, ये उसी तरह से हो गया जैसे हम फ्रैक्शंस के एग्जांपल्स करते थे। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें 4, 6, 2 और 8 का एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। देयरफॉर वी विल राइट हियर एलसीएम ऑफ 4, 6, 2 और 8 इज। इसके लिए हम साइड में इसका एलसीएम फाइंड करते हैं डिविजन मेथड से, सो आई विल राइट हियर 4, 6, 2, 8। सबसे पहले नंबर 4 है, 2 से डिविजिबल है, सो आई विल राइट हियर 2, डिवाइड करो 2 × 2 = 4, 2 से 6 को डिवाइड करो यहाँ आएंगे 3, 2 से 2 को डिवाइड करो 1, 2 से 8 को डिवाइड करो 4। पहले नंबर देखा करो, 2 है, 2 से डिविजिबल है, सो आई विल राइट हियर अगेन 2, 2 × 1 = 2, यहाँ डिवाइड होता नहीं तो 3 एज इट इज, ये 1 एज इट इज, 2 से 4 को डिवाइड करो आ गया 2। अब ये हो गए कॉमन, ये हो गए नॉन कॉमन, या आप इसको आगे बढ़ा सकते हो, 3 से डिवाइड करेंगे 1, 1, 1, 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1, 1, 1, ठीक है। सो एलसीएम आ गया 2 × 2 × 3 = 2, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24। तो सबका डिनोमिनेटर हमें 24 चाहिए, तो वो कैसे करेंगे, सबका डिनोमिनेटर 24 करेंगे, 5/4 =
फोर को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 24 आता है, उसके लिए क्या करो, 4 से 24 को डिवाइड कर लो। या फिर एक और तरीका बताता है, ये जो फैक्टर्स आए हमारे प्राइम फैक्टर, इसमें 4 किसकी मल्टीप्लीकेशन आती, 2 और 2 की मल्टीप्लीकेशन 4 आती, तो इन दोनों को छोड़ दो, क्या बचा, 3 और 2, 3 टू द 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 इंटू 6 अपॉन 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 30 अपॉन 24, ये हो गया। अब सेकंड है 7 अपॉन 6, 7 अपॉन 6 इक्वल टू, अब फिर से देखो इसमें 6 किसकी मल्टीप्लीकेशन आती, 3 और 2 की, बचा क्या, a2 और a2, 2 टू जा 4, 4 से मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 4 अपॉन 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 28 अपॉन 24। ये तरीका बहुत आसान होता है, आपको जब बड़े नंबर्स आएंगे तो बड़े नंबर्स में हम हर बार वो डिवाइड करना हमें आसान नहीं होगा। नेक्स्ट ले रहे 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू, 2 की जगह 24 चाहिए, 2 छोड़ दो, क्या बचा, इतना, 2 टू जा 4, 4 थ्री जा 12, 12 से मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 36 अपॉन 24। और फिर है कौन सा, 5:8, ठीक है, तो 5:8 इधर लिखता हूँ मैं यहाँ पे, 5:8 यानी 5 अपॉन 8 इज इक्वल टू 8 किसकी आती है, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, बचा 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 3 अपॉन 8 इंटू 3 इज इक्वल टू आया 15 अपॉन 24। अब जिस सीक्वेंस से हमने फाइंड किया उस सीक्वेंस से पहले उनको लिख लेते हैं, सो 30 अपॉन 24 कॉमा 28 अपॉन 24 कॉमा 36 अपॉन 24 कॉमा 15 अपॉन 24। अब इनका हम लगाएंगे असेंडिंग ऑर्डर, तो इनमें देखो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को कंपेयर करो, तो सबसे पहले आएगा 15 अपॉन 24, ठीक है, लेस देन, असेंडिंग ऑर्डर लगाते समय हमें लेस देन का साइन देना है, फिर स्मॉल कोन है 28 अपॉन 24 लेस देन, फिर है 30 अपॉन 24 लेस देन 36 अपॉन 24। अब इसकी जो ओरिजिनल आंसर है वो देखो, 15 अपॉन 24 किसका था, 15 अपॉन 24 इसका है 5 अपॉन 8 यानी 5:8, सो आई विल राइट हियर 5:8 लेस देन 28 अपॉन 24 किसका है इसका, यानी 7 अपॉन 6 मतलब 7:6 लेस देन, फिर कौन है 30 अपॉन 24 किसका है इसका है यानी 5 अपॉन 4 का, तो 5:4 लेस देन, फिर है 36 अपॉन 24 इसका है यानी 3:2, तो ये हो गया इसका असेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर के एग्जांपल्स को हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 6, गिव 4 इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 12:15। 12:15 के हमें 4 इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड करने हैं। अब इक्विवेलेंट रेशियो हम मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं, डिवीजन करके भी फाइंड कर सकते हैं, या दोनों एक ही एग्जांपल में दोनों भी कर सकते हैं। तो 12 और जो 15 है, दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, तो पहला रेशियो तो हमें डिवाइड करके मिल जाएगा, सो वी विल राइट हियर 12:15 इज इक्वल टू 12 अपॉन 15 इक्वल टू, दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे, सो 12 डिवाइडेड बाय 3, किसी नॉन जीरो नंबर से हमें डिवाइड करना है, लेकिन सेम नंबर से डिवाइड करना है, सो यू विल गेट हियर 4 अपॉन 5, तो ये हो गया पहला इक्विवेलेंट रेशियो। दूसरा फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, अब डिवाइड करके नहीं होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, सो 12:15 इक्वल टू 12 अपॉन 15 इक्वल टू, आसान है स्मॉल नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 2 से करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 15 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 24 अपॉन 30, ये हो गया। दूसरा तीसरा फाइंड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करो, 12:15 इज इक्वल टू 12 अपॉन 15, आप यहाँ पे निगेटिव नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, इज इक्वल टू 12 इंटू 3 अपॉन 15 इंटू 3, सो यू विल गेट हियर 36 अपॉन 45। आप जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उस पर डिपेंड होगा, इसका जो आंसर है कोई फिक्स नहीं रहता है, सो 12:15 इज इक्वल टू 12 अपॉन 15 इज इक्वल टू 12 इंटू 4 अपॉन 15 इंटू 4 इज इक्वल टू 48 अपॉन 60। सो मेरे ये आंसर है, आपके और कोई आ सकते हैं, क्योंकि आप किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई और आंसर आएगा, ठीक है, देयरफॉर वी कैन से दैट इसका जो आंसर है इसको हम रेशियो में लिख लेंगे, 4:5 इज इक्वल टू 24:30 इज इक्वल टू 36:45 इज इक्वल टू 48:60, देयरफॉर
4:5, 24:30, 36:45, 48:60 are four equivalent ratios. Equivalent ratios of 12:15. तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट रेशियोज को हमें फाइंड करना है. नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन है, इफ ए एस टू बी इक्वल टू 2:3, बी एस टू सी इक्वल टू 5:6, फाइंड ए एस टू सी. तो हमें ए और सी का रेशियो फाइंड करना है. अब इसमें आप क्या करना, पहले तो हम लिख लेंगे ए एस टू बी इक्वल टू दिया है 2:3, देयरफॉर इसको हम ऐसे लिखेंगे ए अपॉन बी इक्वल टू 2/3 लिखेंगे. साइड में देखो दूसरा रेशियो दिया है बी इज टू सी इक्वल टू 5:6, इसको कैसे लिखेंगे बी अपॉन सी इज इक्वल टू 5/6. अब हम क्या करते हैं, ये दोनों रेशियोज को मल्टीप्लाई करते हैं. तो लेफ्ट साइड की लेफ्ट साइड के मल्टीप्लाई होंगे और राइट की राइट के साथ. देयरफॉर आई विल राइट हियर ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बी अपॉन सी इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई 5/6. Now see here b b get cancelled, so remain here a upon c equal to 2 1 2 2 3 6. ठीक है, तो न्यूमेटर में 5 1 5 आया, डिनोमेटर में 3 3 9. सो वी विल राइट हियर a s to c इज इक्वल टू 5:9. ये हो गया इसका आंसर. गॉट इट. नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन 9, इफ 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 5c, फाइंड a s to b s to c. तो ये तीनों का रेशियो फाइंड करने के लिए हमें 3, 4 और 5 को हटाना पड़ेगा. उसके लिए क्या करेंगे, हम 3, 4 और 5 का एलसीएम फाइंड करेंगे और उस एलसीएम से इन तीनों को डिवाइड करेंगे. सो आई विल राइट हियर एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 5. अब देखो ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एलसीएम उनका प्रोडक्ट होता है. सो 3, 4 जा 12, 12 5 जा 60, एलसीएम आ गया 60. तो हम ये हर एक को 60 से डिवाइड करेंगे. देयरफॉर वी विल गेट हियर 3a/60 इक्वल टू 4b/60 इक्वल टू 5c/60. देयरफॉर वी विल गेट हियर a/20 इक्वल टू 3 से 60 को डिवाइड किया, b/50 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 5 1 5 5 2 10, तो 12. ठीक है, तो ये आप a/20 इक्वल टू b/12 इक्वल टू हो गया c/12. अब हम इनका फाइंड करना है रेशियो. सो वी विल राइट हियर इन दिस वे देयरफॉर. तो अब हम इसका रेशियो डायरेक्टली लिख सकते हैं, देयरफॉर a एस टू b एस टू c इज इक्वल टू 20:15:12. सो ये तीनों का रेशियो का आंसर हो गया ये. गॉट इट.